अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और जो आज हमें डिस्कस करना है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि इक्वेशन हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस फंक्शन के लिए हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, सबसे पहले हमें फार्मूला समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए, एक एफ ऑफ एक्स और जो सेकेंड फंक्शन हमारे पास है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो फर्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली वही हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। और जो सेकेंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम ये जानते हैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, इनपुट। इनपुट मीन्स के एक्स की जगह पर हम इनपुट को पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कहीं भी एक्स होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करने के लिए फंक्शन में जहाँ कहीं भी एक्स है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, एक्स प्लस एच। तो इट मीन्स कॉस एक्स प्लस एच। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दो फंक्शन फाइंड कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच। देन फिर हम यूज़ करेंगे फार्मूला कि वी नो दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। देन हमारे पास जो फार्मूला है क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो हमारा किसके बराबर है, कॉस एक्स प्लस एच। देन माइनस एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है, कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या है हमारे पास h। तो एक फार्मूला हमने फर्स्ट यहाँ पढ़ा है कि cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्री और इसके बिटवीन में साइन कौन सा हो, नेगेटिव। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि वी नो दैट cos u माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस टू साइन u प्लस वी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन यू माइनस वी डिवाइड बाई टू। यह हमारे पास फार्मूला है कॉस यू माइनस कॉस वी का। तो इस फार्मूला के तहत हम जानते हैं कि जो हमारा यू बराबर होगा वो किसके, एक्स प्लस एच के, और जो हमारा वी बराबर होगा वो किसके, एक्स के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फंक्शन को इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इस h को हम लिख सकते हैं वन अपॉन h, और इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos u माइनस cos v इज इक्वल टू माइनस टू साइन u इज इक्वल टू x प्लस h एंड v इज इक्वल टू प्लस x डिवाइड बाय टू। सिमिलरली साइन u माइनस वी, u इज इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय टू। डन। नेक्स्ट फिर हम जानते हैं कि इस x से हम x को कैंसिल कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट हमारे पास बचते हैं वो क्या, कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो वन बाय h इज इक्वल टू माइनस टू साइन x प्लस एक्स, हमारे पास क्या होंगे, 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन h
बाय टू। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में चैप्टर वन में, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। हम ये कहते हैं अगर साइन के पास जो एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर है तो जो इसका लिमिट है वो किसके बराबर होता है, वन के। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, ये फॉर्म बनाना है कि साइन एंगल अपॉन एंगल, तो हम इसको किसके बराबर ले सकते हैं, वन के। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले ये जो एच है इसको हम डिवाइड करवाएंगे साइन एच बाई टू से। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि चूंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि ये एच दोनों से डिवाइड होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये तीनों टर्म आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में जब हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक टर्म से करवाते हैं, हम सारे टर्म से उस वक्त करवाते हैं जब इसके बिटवीन में प्लस और माइनस साइन होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो एच है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से डिवाइड होंगे, तो इस एच को हम क्या करेंगे, साइन एच बाई टू से डिवाइड करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन एच बाई टू, और इस एच को जब मैं डिवाइड करवाऊँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एच। अब एक इशू और है हमारे पास कि जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, एच बाई टू, जबकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, एच है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल होता है वही हमें डिनोमिनेटर बनाना होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर भी h बाई टू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एच बाई टू डिवाइड बाय एच बाई टू। अब हम जानते हैं लिमिट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू लिमिट ए मल्टीप्लाई बाय लिमिट बी, तो अपने माइनस साइन को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, इट मींस लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच बाय टू डिवाइड बाय एच बाय टू। हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो माइनस, जब मैं लिमिट को अप्लाई करूँगा तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, साइन टू एक्स एच जो है हमारा वो किसके बराबर है, ज़ीरो के, डिवाइड बाय टू, और इस चीज़ को हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला वन के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाय टू, और इस टू को इस टू से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो माइनस साइन एक्स। इस तरह हम कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या फाइंड है हमारे पास, माइनस का साइन एक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।